Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fit, fine, and safe at home. So today, bachcha, we are going to study very important topics of class 11th, chapter 1. And you know, this information that we are going to study today will be very helpful for you in your competition exams also. Not only after 12th, whatever competition exam you are going to give थ्रू आउट योर करियर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ये तो ये ध्यान से कॉपी पेन खोल लीजिए, साथ साथ नोट करिए. तो बच्चा, आपके सामने फर्स्ट वर्ड आ रहा है टैक्सॉन. ठीक है, टैक्सॉन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ टैक्सन क्या बोलते हैं. टैक्सॉन बोलते हैं जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के ग्रुप को. ठीक है, जो सिमिलर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स हैं ना, उनके ग्रुप को बोलते हैं टैक्सॉन. ठीक है जी, ग्रुप मतलब एक टैक्सॉन में सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड ग्रुप्स होंगे. ठीक है, दूसरे टैक्सॉन में दूसरे सिमिलर जेनेटिकली आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे. ठीक है, सो टैक्सन में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो जेनेटिकली रिलेटेड है. ठीक है, लेट्स रीड आउट. ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक और इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन. ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, टैक्सॉन. ठीक है, द टैक्सॉन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एसीबीएन ड्यूरिंग 1956. So taxon is a group of any rank that is sufficiently distinct to be worthy of being assigned a definite category. Different category taxon ko ek separate category mein kyun specially dalte hain, kyunki usme mostly jo bhi individuals hote hain, jo bhi individuals hoenge wo sare genetically similar hoenge. Matlab ek taxon aur dusre taxon mein kya farak hoega, ek taxon ke individuals dusre taxon ke individuals se genetically different hoenge, right? Aage dekhiye, नेक्स्ट देखिए. सी नेक्स्ट, यहाँ पे टू टर्म्स आ रही है, मोनोफाइलेटिक टैक्सन एंड पॉलीफाइलेटिक टैक्सन. दैट आई वांट टू टेल यू दीज टर्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम इन योर कंपटीशन एग्जाम्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स. देखिए, सी जितना टर्म फाइलेटिक आ गया ना, फाइलेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशन से रिलेटेड है, याद रखना. फाइलेटिक मीन्स ये एवोल्यूशन से रिलेटेड है. देखिए, द टैक्सॉन दैट इंक्लूड्स अ कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीसीज एंड ऑल द स्पीसीज descended from it is called monophyletic taxon. मतलब एक taxon में अगर सारे individuals एक ancestor से बने हैं तो उसको बोलते हैं monophyletic taxon. क्या बोलते हैं उसको, monophyletic taxon. और अगर अगर वो different ancestor से बने हैं उसको बोलते हैं polyphyletic taxon. मतलब एक taxon में अगर एक group में सारे individuals एक ही ancestor से बने हैं उसको हम बोलते हैं monophyletic taxon. अगर वो डिफरेंट इंसेस्टर से बने हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीफाइलेटिक टैक्सॉन. क्या बोलते हैं जी, पॉलीफाइलेटिक टैक्सॉन. याद रखिएगा, लिख लो टर्म जी. ठीक है, साथ साथ लिख लो, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, नाउ मैं छोटा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कंप्लीट आपको नज़र आएगा, फिर ही प्रॉपरली आप कर सकते हो. आपको याद आया आपकी 9th क्लास, रिमेंबर योर 9th क्लास, 9th में किया था आपने, है ना 9th वाला जी. आपने 9th में किया था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज है. आपने हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ये 9th में भी की हुई है. ये वही है बच्चा, देखिए. सी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, देखिए टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर्स. देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिवाइडेड इंटू 5 किंगडम्स. किस में डिवाइड किए हैं, 5 किंगडम्स में डिवाइड किए गए हैं. किंगडम की फर्दर क्या होती हैं, डिवीजन्स इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फाइलम इन केस ऑफ एनिमल. दिस इज ओनली डिफरेंस, बाकी सारा सेम है जी. ऑल द ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स. ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स. फिर आगे डिवीजन और फाइलम को किस में डिवाइड किया गया, क्लास में. वन क्लास इज हैविंग सो मेनी ऑर्डर्स, वन ऑर्डर इज हैविंग सो मेनी फैमिलीज. एक फैमिली में बहुत सारी होंगी जीनस, एक जीनस में बहुत सारी होंगी स्पीसीज. सो दिस इज फर्दर क्लासिफिकेशन. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऐसे क्लासीफाई किया जाता है. देखिए जी, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, सम जेनरा एंड द स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल जीनस सोलेनम. ठीक है, सपोज जीनस सोलेनम देखें, देखो सी टोमेटो को, पोटैटो को क्या बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम. ब्रिंजल को क्या बोलते हैं, सोलेनम मेलोंगेना. देखो
जीनस इज सेम यहाँ पर, स्पीसी डिफरेंट है. ट्यूबरोसम इज पोटैटो, मेलोंगेना इज ब्रिंजू, देन पेंथेरा. पेंथेरा अगर लियो है स्पीसी तो लाइन है, अगर पार्डस है स्पीसी तो लिपर्ड है. देखो जीनस सेम है. अगर टाइगर, अगर पेंथेरा टिग्रिस है तो वो टाइगर है. आगे फेलिस जेनरा, देखिए अगर फेलिस कैटस है तो वो कॉमन कैट है, अगर फेलिस चेरस है तो जंगल कैट है, अगर वो फेरिस टेमेंसी है तो वो गोल्डन कैट है. देखिए जेनरा सेम है पर आगे स्पीसीज डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट ही हो जाता ना, ऑर्गेनिज्म टोटली डिफरेंट हो जाता है वो. राइट, इज दिस क्लियर? ठीक है, थोड़े थोड़े याद रखने शुरू करिए, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए. ठीक है, आगे भी टेबल बहुत बड़ा दिया हुआ, इसको मैं छोटा करके आपको दिखाती हूँ. आपको याद है ना नाइन्थ क्लास बोल तो नहीं है ना, नाइन्थ क्लास का चैप्टर था डिवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और डिवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उसमें हमने किए थे, उसमें थोड़ा बेसिक किया था. आज इस चैप्टर ऑब्वियसली इलेवेंथ में ट्वेल्थ में डिटेल तो करोगे ही करोगे, तो थोड़ी सी टेबल में करेंगे. देखिए ये मैं ये भी टेबल छोटा कर रही हूँ सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली. चलिए देखिए बच्चे, देखो जी ये है क्या, दीज आर सफिक्सेस. सफिक्सेस मतलब जो पीछे लगता है. पीछे लगता क्या है, कैटेगरी के पीछे क्या लगेगा, कैटेगरी के पीछे क्या लगेगा जी, बायोंटा. कैटेगरी के पीछे क्या लगेगा, बायोंटा. सॉरी, किंगडम के पीछे क्या लगेगा, बायोंटा. फाइलम के पीछे क्या लगेगा, फाइटा. दीज आर द सफिक्सेस कि जब आप नेम लिख रहे हो, नेमिंग के पीछे समटाइम्स क्या होता है कि आपको तो वर्ड पता नहीं चल रहा है ना, और देखा आपने पीछे अगर बायोंटा लिखा हुआ है मतलब वो क्या है, किंगडम है. अगर पीछे फाइटा लिखा हुआ है वो क्या है, फाइलम है या डिवीजन है. आगे सब फाइलम सब डिवीजन के भी दिए हैं आपने बेसिकली, जो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस के ही याद रखने हैं. मैंने बताया कैसे लर्न किया था, किंगडम फाइलम याद होगी, आगे कॉफ क्लास ऑर्डर फैमिली क्लास जीनस स्पीसीज, किंगडम फाइलम फिर कॉफ फिर जीनस स्पीसीज, क्योंकि इसका पूरा वो ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान से देखिए, क्लास के क्लास पीछे एक सफिक्स क्या होगा, ऑब्सिटा. ऑर्डर के पीछे क्या होएगा, एल्स. ऑर्डर के पीछे क्या होएगा, एल्स. फैमिली के पीछे क्या होएगा, एसिया. फैमिली के पीछे क्या होएगा, एसिया. ठीक है, और जीनस स्पीसीज के पीछे कोई पर्टिकुलर सफिक्स नहीं होता, वो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट होती है. ठीक है, वो कोई सफिक्स नहीं होता, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये याद रखिएगा. ठीक है बच्चा, आगे देखिए, आगे देखो, आगे कह रहा है दिस इज़ द टेबल, दिस इज़ द टेबल विच इज़ शोइंग सम फुल क्लासिफिकेशन. ये पता क्या होता है कि अगर आपने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन किसी ने बोला करनी है ना, तो पता क्या होता है कि ये पूरी क्लासिफिकेशन दी होती है. सपोज कोई प्लांट है उसके पीछे पूरा ये दिस बिलोंग्स टू दिस किंगडम दिस फाइलम दिस क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज सारा कुछ सेपरेटली दिया होता है, तो आपको एज इट इज़ वो लर्न करना होता है. ठीक है, सारे तो ऑब्वियसली लर्न नहीं करने होते, जो आपके पर्टिकुलर एनसीईआरटी के हैं वही लर्न करने हैं. ठीक है, ये मैंने आपके सामने 5-6 एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बता दूँ. देखिए इफ़ यू टॉक अबाउट, ठीक है दो मैं वो कराती हूँ. सपोज ह्यूमन है, ह्यूमन साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस. सैपियन है क्या, स्पीसी. होमो है क्या, जीनस. फैमिली क्या बिलोंग कर रहे हैं, होमिनिडिया. ठीक है, और आगे देखो, आगे क्या आ गया, ऑर्डर. ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है जी, प्राइमेटा. ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा. क्लास क्या है, मैमिलिया. फाइलम कॉडेटा. किंगडम एनिमलिया. सो कोशिश करिए इतने का आप एटलीस्ट लर्न करिए, ये लिखोगे प्रॉपरली फिर आपको याद होंगे, ऐसे नहीं याद होंगे. ठीक है, एक दो बार लिखोगे अपने हाथ से फिर आपको ये प्रॉपरली याद हो जाएंगे. आई नो इन दिस चैप्टर देर इज़ सो मच लर्निंग पोर्शन, पर आपको पता है ये वाला लर्निंग पोर्शन आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा. आगे आपको कराने जा रही हूँ, आगे आप देखोगे म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन, सारा कुछ करेंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जो भी आगे कंपटीशन एग्जाम होंगे, ये बड़ा बेनिफिशियल पार्ट है. लर्निंग है, मैं मानती हूँ ये चैप्टर में काफ़ी लर्निंग है. देखिए ठीक है, लाइक
आप लगा लो वीट का, वीट है, साइंटिफिक नेम है स्ट्रेटिकम एस्टिवम। एस्टिवम है क्या? स्पीसीज। स्ट्रेटिकम है क्या? जीनस। ठीक है, फैमिली है पोएसिया, ऑर्डर है पोएल्स, क्लास क्या बिलोंग कर रहे हैं? मोनोकोटिलेडन्स। फाइलम है क्या? एंजियोस्पर्म। किंगडम है प्लांट्स। ठीक है जी, तो ये अच्छे से जरा ध्यान से एक नोटबुक पे तीन चार बारी लिखोगे ना फिर आपके दिमाग में जाएगा, वैसे नहीं जाएगा बच्चे। आगे देखिए, देखिए ये टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर, ऑब्लिगेट एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट ये लर्न करनी आपकी मर्जी है, पर मैंने आपको एक बार दिखाना था कि ऐसे भी होते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज की। ये तो हमेशा अगर कोई क्लासिफिकेशन करे ये कैटेगरीज तो लगानी लगानी है। कौन सी? जो भी हमने किए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये क्या, ये क्या है? ये ऑब्लिगेट में है। इंटरमीडिएट मीन्स ये इन बिटवीन आते हैं। समटाइम्स कुछ क्लासिफिकेशन करने जो साइंटिस्ट करते हैं वो समटाइम्स इसको ऐड करते हैं, और समटाइम्स ऐड नहीं करते। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। आगे देखिए, आगे आ रहे टैक्सोनॉमिकल एज। टैक्सोनॉमिकल एज्स मतलब वो नेमिंग करनी है जी, ये सारा कुछ करना है। क्या एज्स हैं, कौन सी जो एज्स होंगी जो हेल्प करेंगी नेमिंग में, क्लासिफिकेशन में, कौन कौन सी? देखिए, दीज आर द टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि आप जी क्लासिफिकेशन कर रहे हो है ना, नेमिंग दे रहे हो, जिस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग दी है उसको प्रिजर्व कैसे करना है? पता चल गया ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट है, ये माइक्रोब है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है ताकि आगे उसकी जब ज़रूरत हो आइडेंटिफिकेशन के लिए है ना, क्लासिफिकेशन की, तो कैसे हम कर सकते हैं? देखिए फर्स्ट क्या आ रहा है इसमें, हर्बेरियम। आपने सुना होगा ये टर्म हर्बेरियम, सुने होंगे, बनाए होंगे आप, काफ़ी बच्चों ने बनाए होंगे है ना, टेंथ टीचर्स देते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या? कि जी ये इस प्लांट का लीफ लो, उसको ड्राई करो, प्रेस करो, और उसको है ना, उसको अपनी शीट पे लगाओ, नीचे उसकी क्लासिफिकेशन लिखो। क्लासिफिकेशन ये सारा कुछ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सारा कुछ, नेमिंग वगैरह का सारा कुछ, वो उसको बोलते हैं हर्बेरियम। ये सारा कराती हूँ मैं, देखिए ज़रा है क्या हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. These sheets are arranged further according to a universally accepted system of classification. The institutes and universities maintain their own herbarium by collecting a specimen from local and foreign places. ठीक है जी, herbarium है क्या जिसमें जो भी species, जो भी plant हो, basically ये plants का बनाते हैं herbarium. ठीक है, उसको preserve करके, ड्राई करके, प्रिजर्व करके उसको शीट्स पे लगाते हैं, उसके नीचे सारी क्लासिफिकेशन लिखी जाती है और उन शीट्स को इकट्ठा करके रख लेते हैं फर्दर यूज़ के लिए। ठीक है जी, हर्बेरियम बनाते कैसे हैं, सो लेट्स सी हाउ टू मेक देम। देखिए जी, फर्स्ट क्या आ रहा है, टू फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स आर कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स सच एज सीजर्स, कटर्स, स्पून, नाइफ, डिगर्स। सिंपल, कि पहले जो प्लांट है उसके पार्ट्स को, जो भी पार्ट आपने प्रिजर्व करना है उसको कट करना है, तो ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। ये तो बेसिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए ना, सीजर्स, नाइफ वगैरह, डिगर, खुरपी वगैरह। खुरपी आपको पता ही है ना, गार्डन में आप अपने गार्डन में खुरपी से है ना, समटाइम्स अगर सॉइल को लूज़ करना तो खुरपी से करते हैं। खुरपी पीपल नो बेटर, कि कोई भी जो प्लांट्स पार्ट है कट करना, कटिंग के लिए। तो आपके सामने ना कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आके आपको यूज आएंगे। देखिए जरा, फर्स्ट क्या आ गया कटर पीपल बैठे हैं बस, है ना, कटिंग के लिए, जो भी पार्ट है आपने प्रिजर्व करना उसको कट करने के लिए कटर है जी। ठीक है, फेस्ट ऑफ, फिर आ गया डिगर, डिगर खुरपी भी सबको पता है जी, गार्डन में सारे बच्चे यूज़ करते होंगे है ना, गार्डनिंग करा करो ना आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर आ रहा है वैस्कुलम। ये क्या आ रही है वैस्कुलम? वैस्कुलम क्या होता है कि इसमें कोई भी सपोज लीफ ही है उसको वैस्कुलम में रखते हैं। ठीक है, वैस्कुलम में रखने से क्या होगा कि जो वाटर वेपर्स हैं ड्राई अपना हो जाए जल्दी। ठीक है, इसलिए उसको वैस्कुलम में थोड़ा टाइम रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए। फिर आ गया
प्लांट प्रेस ऐसी होती है, प्लांट प्रेस फिर हर्बेरियम शीट ऐसे। देखिए हम करते कैसे, देखिए दी सिलेक्टेड स्पेसिमेंस, दीज सिलेक्टेड स्पेसिमेंस आर कैरिड इन अ बॉक्स कॉल्ड वेस्कुलन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, जो उसका नेचुरल मॉइस्चर है कि वो इमीजिएटली ख़त्म ना हो जाए, तो इसलिए उसको किसमें रखा जाता है, वैस्कुलम में। किसमें रखा जाता है जी, वैस्कुलम में रखते हैं। वैस्कुलम आपको मैंने बिल्कुल बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाया, उसमें रखते हैं। देन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द हैबिटेट, सीजन, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन इज ऑल्सो नोटेड इन अ सेपरेट नोटबुक। ठीक है, नोटबुक पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, किस दिन पार्ट कट किया है प्लांट का, किस टाइम पे है, क्या सीजन था, किस टाइम पे कट किया, सारा कुछ लिखते हैं। देन ड्राइंग ऑफ सैम्पल इज डन बाय स्प्रेडिंग देम एंड कीपिंग देम बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। फर्दर ड्राइंग इज डन इन द प्लांट प्रेस। ठीक है, फिर जो जो मोस्टली हम लीव्स लेते हैं, कोई भी प्लांट पार्ट ले सकते हैं, बट बेसिकली लीव्स लिए रहते हैं। ठीक है, उसको न्यूज़पेपर्स के फोल्ड में रखते हैं, है ना, फिर उसको मतलब उसको स्ट्रेट करना है, प्रेसिंग करनी है उसकी। फिर उसको समटाइम्स जो प्लांट प्रेस हो, भी मैंने ऊपर आपको दिखाई थी पिक्चर उसकी, प्लांट प्रेस में भी रखा जाता है कि स्ट्रेट प्रेस सीधा हो जाए ताकि वो शीट के ऊपर प्रॉपरली लग सके। आगे देखिए, आगे क्या आ रहा है, मतलब आप देख रहे हो सी मेन हर्बेरियम का पर्पस क्या है जी, जो भी कोई भी बेसिकली जो लीव ले रहे हैं उसको हमने जैसे हम देखो ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल अगर सीधा लीव को लेके रख लो, है ना जी, मैंने ये इसको ढूंढा है इसकी क्लासिफिकेशन रख लो, क्या होगा तो ख़राब हो जाएगा, फंगल सब्जी भी सारा ख़राब हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली द राइट प्रोसीजर कि कैसे आप उसको प्रिजर्व रख सकते हो, है ना। उसको पहले लिया निकाला है, फिर उसको वैस्कुलम में रखा है कि इसका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो रहे, वो ना हो जाए ख़त्म ना हो जाए, मास्टर ख़त्म हो गया तो उसकी जो ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक है उसको अगर किसी ने स्टडी करना हो देखना तो वो आप नहीं कर सकते, वो ख़राब भी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको क्या करें, प्रेसिंग न्यूज़पेपर फोल्ड में रखते हैं, प्लांट प्रेस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके लिए, प्लांट प्रेस है, प्लांट प्रेस है, प्लांट प्रेस है, उसकी प्रेसिंग हो गई राइट। ये इंस्ट्रूमेंट्स साथ साथ ऊपर जो मैंने पिक्चर दिखाई थी अच्छे करके आप इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं, प्लांट प्रेस दिखा दी मैं। हाँ देखो, ए ये रहा, ये है वैस्कुलम, सी वाला वैस्कुलम है, और डी वाला ये प्लांट प्रेस, याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या किया, देखिए नाउ द ड्राइड स्पेसिमेंस आर डॉक्यूमेंटेड ऑन द हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट पे उसको लगा दिया। ठीक है, हर्बेरियम शीट द स्पेसिमेन इज पेस्टेड ऑन थिक शीट लाइक चार्ट पेपर विद हेल्प ऑफ ग्लू और अदर एडेसिव। ठीक है, सीधा नहीं उसको लगाना, थोड़ी सी थिक शीट के ऊपर ये प्रॉपरली आपको मेजरमेंट देके इतना सेंटीमीटर ये शीट लेके उसके ऊपर उसको चिपकाना। देन द स्मॉल पैकेट्स कंटेनिंग सीड्स और सैम्पल फ्लावर्स आर कलेक्टेड टू द पेपर शीट। ऑब्वियसली पैकेट्स में सब निकाला तो थोड़े से उसके सीड्स या फ्लावर वगैरह भी उसको रखने होते हैं, वो भी हम प्रिजर्व करते हैं। देन प्रिंटेड लेबल, लेबल के ऊपर आपने ये सारा कुछ लिखना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लान, कॉमन नेम ऑफ द प्लान, फैमिली किसको बिलोंग कर रहा है, रीजन कहाँ से लिया आपने, डेट ऑफ कलेक्शन और नेम ऑफ द कलेक्टर, ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे हमने लिखनी होती है। सो सच हर्बेरियम शीट्स आर स्टोर्ड इन इंसेक्ट्स एंड डस्ट प्रूफ हर्बेरियम कैबिनेट्स। ऑब्वियसली इसको प्रिजर्व करके रख देते हैं ना, नहीं तो डस्ट या इंसेक्ट्स इसको खराब कर देंगे राइट। आगे देखिए, सो सेपरेट रजिस्टर, सेपरेट रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, रजिस्टर में ये शीट्स रखी जाइए और ये हर्बेरियम रजिस्टर्स बन गया। ठीक है, टाइम लगता है इस चीज़ को, बहुत टाइम लगता है, बट इट्स वेरी यूजफुल। आपके सामने सम कॉमन हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड ये टेबल मैंने ढूंढा था, मैंने कहा कि आपको ये टेबल ये आप अपनी नोटबुक पे प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा लर्निंग पोर्शन है। ये वाला हर्बेरियम है, नेम ऑफ द हर्बेरियम, रॉयल बोटैनिकल गार्डन, लार्जेस्ट हर्बेरियम,
वहाँ पे है ना, पेरिस में कौन सा है, न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन, यूएस में वॉशिंगटन में, ये सारा कुछ। इंडिया वाला देखिए, लखनऊ वाला नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन सब ने हर्बेरियम्स मेंटेन किए हुए हैं, ये याद रख लीजिएगा, ये लर्न करने पड़ने आपको टेबल, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आई टोल्ड यू एज इन द स्टार्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, देर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड एट कोलकाता फॉर एक्सप्लोरिंग द प्लांट वेल्थ ऑफ कंट्री, ठीक है, प्लांट की वेल्थ, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज हैं, काफ़ी हर्बेरियम्स ये बनाते हैं, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता जो हेडक्वार्टर है, बहुत सारी स्टडी जो प्लांट स्पीसीज की होती है वो ये लोग करते हैं। आगे देखिए, यूजेस ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम के क्या यूजेज हैं, बहुत सारे यूजेज हैं जी, बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा यूजेस, आपको दो पॉइंट्स बेसिकली याद रखने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी थी हैं, क्रेम गो थ्रू हो जाते हैं, एनी टू पॉइंट्स यू रिमेंबर, हर्बेरियम यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, कंपाइलेशन ऑफ फ्लोरा, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स आर मेड बेस्ड ऑन द स्पेसिमेंस हर्बेरियम, मतलब आगे जो भी प्लांट्स की स्टडी होनी है वॉट एवर, वो सारी हर्बेरियम बेस्ड ही होती है, सो दे आर वेरी बेनिफिशियल, ऑब्वियसली तो बहुत बेनिफिशियल होगा ना ये, देखिए, ठीक है, कोई भी आप दो तीन पॉइंट अपने याद कर लेने, हर्बेरियम में यूजफुल इन लोकेटिंग वाइड वराइटीज एंड फाइविंग द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ठीक है, जो इकोनॉमी ने बाद में सारे देखने हैं, सारे हर्बेरियम देख सकते हैं, जो भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स है उस पर स्टडी हो सकती है, उनसे फ़ायदा भी लिया जा सकता है। इट हेल्प इन नोइंग द मोर्फोलॉजिकल वेरिएशन फाउंड इन स्पीसी, ऑब्वियसली जो भी वेरिएशन है रिसर्च में यूज होएगा, सच में हर्बेरियम तो बहुत यूज होते हैं। आगे आपके सामने आ रही एक और टेबल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है जी, ये भी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा, सम इम्पॉर्टेंट बोटैनिकल गार्डन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको पाया जाएगा, ठीक है, ये लिख लीजिए, लर्न करना है, सबसे जो बड़े वाला कहाँ पे प्रेजेंट है, लंदन में है रॉयल बोटैनिकल गार्डन, इंडिया वाले कौन से हैं, दार्जिलिंग और लखनऊ में है, कोलकाता में देखिए इंडियन बोटैनिकल गार्डन, दार्जिलिंग में लॉयल बोटैनिकल गार्डन, लखनऊ में नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लिख लीजिए, दो तीन बार लिख लीजिए, फिर आपको याद हो जाएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। आगे रोल ऑफ बोटैनिकल गार्डन, ठीक है, यहाँ पे 5 पॉइंट्स ये हैं, यू कैन लर्न एनी 2 पॉइंट्स, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्थेटिक एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन टू पीपल, लोग आते हैं, ठीक है, उनको खुशी मिलती है, इंजॉय करने भी आते हैं, है ना, एंड रिसर्च के लिए रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है बोटैनिकल गार्डन से, है ना, कंजर्वेशन हो जाती है इंडेंजर्ड प्लांट्स की, ठीक है, सो वेरियस रोल्स, सो दे प्रोवाइड फ्री एक्सचेंज ऑफ सीड्स ऑल्सो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को फ्री एक्सचेंज ऑफ सीड्स हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये नेचर को भी इम्प्रूव करते हैं, सारा कुछ हो गया, एनी 2 पॉइंट्स यू लर्न बच्चा, ठीक है। आगे देखिए नोट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन ऑफ एशिया, ठीक है, लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन एशिया का है कौन, इंडियन बोटैनिकल गार्डन, तो फर्स्ट बोटैनिकल गार्डन कौन सा है, पिसा बोटैनिकल गार्डन इटली, एस्टेब्लिश बाय ल्यूका ग्लिनी, याद रखिए दिस इज फर्स्ट बोटैनिकल गार्डन, इटली वाला पिसा बोटैनिकल गार्डन इटली वाला, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट। आगे आगे म्यूजियम, देखो जो म्यूजियम्स हैं, म्यूजियम्स आप देखने जाते हो, वहाँ पे बड़े सारे इंपॉर्टेंट कुछ इंसेक्ट्स, पुराने पुराने फॉसिल्स बड़े होते हैं, प्लांट्स के बड़े होते हैं, एनिमल्स के बड़े होते हैं, है ना, सो दोज फॉसिल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कुछ में डायनासोर्स बड़े बड़े रखे होते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी, तो म्यूजियम्स भी बायोलॉजिकल स्टडी की रिसर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, सो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट म्यूजियम्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इन इंडिया, ठीक है, ये जरा टेबल बना के याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, अच्छे से। आगे देखिए, आगे आ गया जूलॉजिकल पार्क्स, क्या आ गया जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स मीन्स कि जहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, एनिमल्स जूलॉजिकल पार्क्स, जिसको जू बोलते हैं ना, बचाते छोटे छोटे होते थे आप जाते थे जू देखने, एनिमल्स देखने, है ना, तो जूस मतलब जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, और जूस आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट इन प्रोवाइडेड एनवायरनमेंट्स वेयर ह्यूमन केयर एंड व्हिच एनेबल अस टू लर्न अबाउट द फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर
जूलॉजिकल पार्क प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू द एनिमल्स, ठीक है। सो जूलॉजिकल पार्क में जो एनिमल्स है उसको केयर मिलती है, ठीक है, उसको प्रिजर्व रखते हैं, प्रॉपरली केयर उसको मिलती है। कितने जूलॉजिकल पार्क है देयर आर इन इंडिया? देयर आर नियर अबाउट 200 जूलॉजिकल पार्क। कौन मैनेज करता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए। एंड वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी रेफर टू ऑल दी जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशन एज जू, ठीक है। सो वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी ने इन सबको जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशन को जू, ऑब्वियसली जू जू जो आप देखने जाते हैं वही है सारा। कौन मैनेज करता है इसको? सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रोल क्या है? ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू मतलब, एक्सीटू क्या होती है देखिए, एक्सीटू मतलब कि उसको अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट से उठा के दूसरी जगह रखना। जू में ये थोड़ी सारे सारे जो एनिमल्स जू में रहते थे ना उसको नेचुरल एनवायरनमेंट से उठा के उसको जू में रखना और उसको सारा कुछ प्रोवाइड करना कि उसकी जो स्पीसी है ख़त्म ना हो जाए अगर वो एंडेंजर्ड है तो, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, वर्ल्ड लाइफ की तरफ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज होती है। एंड सेंटर फॉर रिक्रिएशन एंड एजुकेशन, यानी यू पीपल गो देयर, स्टूडेंट्स आते हैं उनको बड़ी अच्छी नॉलेज मिलती है, फैमिली इंजॉयमेंट के लिए जाती है, रिक्रिएशन का बड़ा अच्छा सोच है। फोर दी एनी टू पॉइंट्स यू लर्न बच्चा। अभी फिर आ गया डिफरेंट जूस इन इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो अ टेबल। सो स्पेंड टाइम दिस टेबल इन योर नोटबुक, और ये अच्छे से आप याद करिए, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न बच्चा, ठीक है जी। आगे देखिए, ठीक है, एज इट क्लियर बच्चा। तो ये टेबल्स आपको लर्न करने पढ़ने हैं और ये बड़े बेनिफिशियल रहेंगे आपको लास्ट तक, तो ये प्लीज़ अच्छा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नोट करते करते 3-4 बारी लिख लोगे ना आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय।